अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बोनलेस चिकन बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिए हैं ये मसाले, रेड मिर्च ली है, हल्दी ली है, गरम मसाला लिया, नमक लिया है। तो ये देख लें, आप अपने हिसाब का डाल लेना। मैं 1 किलो उसमें बोनलेस चिकन में इतने मसाले डाल रही हूँ। इसके अलावा मैंने प्याज काट के रखी है, तो ये दही भी मैंने लिया है और लहसुन भी लिया है, ग्रीन मिर्च भी ली है, टमाटर भी 3 अदद टमाटर लिए हैं। तो बस ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन की हुई है, इसमें 1/2 कप मैंने ऑयल डाला था प्याज में और 2 अदद प्याज ली थी। इसको लाइट ब्राउन करके तो इसमें मैंने फिर मसाले डाल दिए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके बाद मैंने इनको ग्राइंड करना है 2 मिनट मसाले फ्राई करके, तो इसमें इसको मैंने जूस मशीन में ग्राइंड कर लेना है। तो आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिएगा। बाकी मैंने 1/2 कप ऑयल दोबारा से डाला है, चिकन अलग से, ये बोनलेस चिकन लिया मैंने, इसको मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ। इसमें 1/2 कप ऑयल डाला है, 1/2 कप मैंने प्याज में डाला था, 1/2 कप इसमें डाला है। तो इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, ये गला ख़राब है मेरा मौसम चेंज होने की वजह से, तो सही बोल नहीं पा रही। इसको फ्राई करना है थोड़ी देर मैंने। इसमें मैंने मसाले में दही ऐड करना है, वो ग्राइंड करना है मैंने। इन सबको आप ग्राइंड कर लीजिएगा। जब ये ग्राइंड हो जाए तो इसको चिकन हम फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, तो उसमें डाल लीजिएगा। ये देखिए कितने मज़ेदार बन रही है। इसमें ये मैंने मसाले डाल दिए हैं सारे। इसमें दही भी डाला था, और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मसाले और टमाटर और प्याज था। प्याज मैंने पहले लाइट ब्राउन किया हुआ था, लहसुन भी था इसमें। इस तरह मैंने इसको थोड़ी देर पकाना है। ये बोनलेस चिकन है, और इसमें अभी मैंने मक्खन डालना है। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसमें मैंने मक्खन ऐड किया, अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता, इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे। तकरीबन 10 मिनट तक ये हो जाएगा। इसमें मैंने पानी ऐड किया था 1.5 गिलास, तो 10 मिनट में खुश्क पानी हो गया, सूख गया। तो आप ये देखिए, मैंने 10 मिनट बाद चेक किया है तो सब फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनाए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसके ऊपर मैंने ग्रीन मिर्चें डाली हैं।